बड़ी खबर के साथ सुबह से ही लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। हाथरस हादसे के पीड़ितों से राहुल गांधी ने मुलाकात की। राहुल गांधी ने सरकार से की ज्यादा मुआवजे की मांग कि पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए। सरकार की तरफ से पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा मिले, दोषियों पर सख्त एक्शन होना चाहिए, यह भी राहुल गांधी ने कहा। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस मामले में अब तक देखने को नहीं मिली है। ये देखिए उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पीड़ित परिवार से हाथरस में मिले राहुल गांधी। तमाम वो पीड़ित परिवार वहां पर पहुंचे जिन्होंने अपनों को खोया हाथरस हादसे में। 121 लोगों की जान चली गई, उनमें से कुछ परिवार आज यहाँ पर राहुल गांधी के साथ हाथरस में मौजूद थे। इससे पहले अलीगढ़ भी राहुल गांधी गए, वहां पर भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। ये वो परिवार है जिन्होंने, ये पिता जिसने अपनी बेटी को खोया है, ये वो बहन है जो अपनी बहन के साथ उसी सत्संग में गई थी लेकिन छोटी बहन लौटकर नहीं आई। ऐसे ही वो तमाम परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवार में से किसी न किसी को हमेशा के लिए खो दिया है। उन परिवारों से आज राहुल गांधी मिले, हाथरस में शांति सभा रखी गई और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जो परिजन है उनके साथ फोटोग्राफ यहाँ पर करा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग उनके साथ एक तस्वीर ले रहे हैं और जो भावुकता के साथ यहाँ पर उनके साथ। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई हैं। मैडम फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए। मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। तो राहुल गांधी ने योगी सरकार से कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद इन पीड़ित परिवारों को दी जाए क्योंकि जितने भी लोग वहां पर पहुंचे थे बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है नहीं उनकी, आर्थिक गरीब परिवारों से है। इसलिए राहुल गांधी अपील भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल खोल के उनको मुआवजा दिया जाए। हाथरस से राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उसके बाद वरुण सिन्हा ने उन तमाम लोगों से बातचीत की कि उनको क्या आश्वासन मिला है, वो क्या चाहते थे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं वहीं से। वरुण सिन्हा एक बार फिर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। वरुण, जब विपक्ष का सबसे बड़ा नेता पीड़ित परिवारों से मिलता है तो वहां एक और उम्मीद जग जाती है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनमें थोड़ी और आसानी हो जाएगी, जो इस वक्त जिस दर्द से वो गुजर रहे हैं, झेल रहे हैं, या उनका अपना सब कुछ खत्म हो गया है यूं कहें, तो वहां पर कुछ इंसाफ की उम्मीद जगती है। क्या ऐसा आपने देखा वहां पर? विप्लेश, बिल्कुल सही कहा आपने। बुरे वक्त में, बुरे दौर में, ऐसे हालात में अगर कोई सहारा बन जाए, अगर साथ खड़ा हो जाए, अगर दर्द बांटने की बात करे, अगर कहे कि आपके साथ जो कुछ गुजरा है उस लम्हे में मैं आपके साथ हूँ, आपको इंसाफ दिलाने की कोशिश करूँगा, तो हर किसी को सहारा लगता है। और शायद यही वजह थी कि राहुल गांधी करीब 25 मिनट यहाँ पर बैठे, 25 मिनट में तमाम पीड़ित परिवारों से उन्होंने बातचीत करी, कोशिश ये करी कि उनके दर्द को समझा, पीड़ित परिवार में किसकी क्षति हुई है ये जाना, ये पूछा कि आप चाहते क्या है, ये जानने की कोशिश करी कि आखिर सरकार की तरफ से कोई मदद मिल पाई या फिर नहीं मिल पाई, आपको इंसाफ चाहिए, किस तरीके का इंसाफ आप चाहते हैं। बाबा के ऊपर एक्शन करने की बात तमाम पीड़ित परिवार ने कहा राहुल गांधी से। दूसरी बात ये कहा कि आर्थिक रूप से जो मदद दी जा रही है वो बेहद कम है, हमारे परिवार में कमाने वाला चला गया, हमारे परिवार का सहारा चला गया, हमारे परिवार का अपना चला गया, तो ऐसी परिस्थिति में चंद रुपये की रकम हमारे लिए बहुत कम है, थोड़ी सी आर्थिक मदद और हो जाए तो ये कम से कम थोड़ा सहारा बन जाएगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी की बात भी ये लोग करते नजर आए कि अगर सरकारी नौकरी एक शख्स को मिल जाए परिवार से तो थोड़ा बहुत सहारा बनता हुआ ये चीज़ नज़र आएगी। तो अपनी पीड़ा को, अपनी स्थिति को, अपनी पीड़ा को समझाने की कोशिश करी लोगों ने और ये बताने का प्रयास किया कि जो कुछ हमारे साथ गुजर रहा है उसमें हम एक और चीज़ चाहते हैं, वो ये कि हमको इंसाफ दिया जाए। हम चाहते हैं कि अगर बाबा के ऊपर कार्रवाई होनी है तो बाबा के ऊपर कार्रवाई हो, अगर जो भी इस मामले में दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको इंसाफ मिले जी। वरुण, एक और चीज़ जो इस मामले में हम सीधे तौर पर लोग बाबा का नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन इस मामले में वो सख्त एक्शन चाहते हैं, अभी तक वो देखने को नहीं मिला है। आखिर कैसे इंसाफ मिलेगा इन तमाम परिवारों को? 121 मौतें कम नहीं होती हैं, वो 121 मौतें नहीं हुई हैं, 121 परिवार उजड़े हैं। देखिए, उनका यही कहना था कि जो भी
इसमें दोषी हैं, जो भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, उनसे ज़रूर हो, भले वो बाबा हों या कोई भी हो, जिन जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, जिन जिन लोगों की बात है, आयोजकों की तो गलती है, साथ साथ प्रशासन की भी गलती इसमें मानी जा रही है। प्रशासन ने आखिर क्यों टाइम पर एक्शन नहीं लिया, आखिर क्यों भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वहाँ पर प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं थे, जिन्होंने परमिशन दी उसके बाद उस परमिशन के हिसाब से काम क्यों नहीं किया गया, यही तमाम चीज़ें थी जो पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी के सामने रखी। तो एडमिनिस्ट्रेशन पे भी राहुल गांधी के वक्तव्य में आप सुनेंगी तो एडमिनिस्ट्रेशन पर भी राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कटाक्ष कसा और कहा कि प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी गलती है, सरकार को इस बारे में जो भी जांच करनी है उसमें इस बात का ज़रूर जिक्र करे और एक्शन ले कि आखिर लोकल प्रशासन ने अनुमति देने के बाद इतनी भीड़ वहां पर इकट्ठी होने दी और उसके बाद उस भीड़ की निकासी के लिए कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं किया गया था। एक और बात भी समझिए कि अभी के जो हालात बने हैं, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लगातार एक के बाद एक पूछताछ की जा रही है। कल IG आगरा ने कहा कि बाबा से ज़रूरत पड़ेगी तो हम पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति ऐसी नहीं है, हम लगातार इंटरोगेशन कर रहे हैं। सबसे जो मुख्य सेवादार था वो भगौड़ा है, अभी तक उस पर 1,00,000 का इनाम घोषित किया जा चुका है। तो गिरफ्तारियों का सिलसिला जरूर चल रहा है, लेकिन जो एक्शन पहले से हो जाना चाहिए था, 50 घंटे से ज़्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक उस तरीके से, उस स्थिति से जाँच आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही जिसमें पीड़ित परिवार को संतुष्टि हो। और यही बात हमने जब उनसे पूछी कि क्या जाँच से आप लोग सहयोग के हिसाब से देख रहे हैं, कि आपको लगता है कि सरकार सही काम कर रही है, कि आपको लगता है कि जो भी पुलिस अधिकारी अब तक इसमें इन्वॉल्व हैं, लगातार वो काम कर रहे हैं, उनके काम से आप संतुष्ट हैं, उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे पास कोई ठोस स्थिति सामने निकल के नहीं आई। जो सबसे मुख्य सेवादार है वो फरार है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर कोई भी अभी तक दबिश या फिर स्थिति क्लियर नहीं है। तो ये पीड़ा है, ये दर्द है विपनेश, जो लगातार शब्दों के जरिए, उनकी आंखों के जरिए बाहर निकल रहा है। जो भी राजनेता आता है उससे मिलकर वो अपनी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी से यहाँ पर लोगों को ये लगता है कि सरकार का जो एक्शन है वो उस तरीके का नहीं है, तो विपक्ष की भूमिका वहां पर बड़ी हो जाती है। आप सही कह रहे हैं वरुण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।